हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नादिया, उम्मीद करती हूं सब ठीक ठाक होंगे। और रमजान मुबारक सबको, कैसे रोजे गुजर रहे हैं? काफी अच्छा मौसम था कराची में, लेकिन दो तीन दिन से इतनी गर्मी आ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है। तो जनाब, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने हिजाब स्टाइल। हिजाब स्टाइल का दौर कभी भी पुराना नहीं होता, स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती रहती हूँ वीडियोस, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बनाती रहती हूँ। तो मुझे ना मेरे खरीदा था एक बड़ा ही स्टाइलिश एक स्कार्फ, जो कि आप किसी फंक्शन में ले सकते हैं इस तरह का। तो आप किसी इसको फंक्शन में ले सकते हैं, जैसे किसी शो के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। जब बंदा खुश होता है तो बंदा चाहता है अपने जानने वालों के, अपने बहुत अजीज लोगों से, अपने बहन भाइयों से इस बात को शेयर करें, जिससे खुशी और बढ़ जाती है। तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें बीड्स भी लगे हुए हैं, बड़े चमकते दमकते, इस तरह बड़ा अच्छा लगता है। और इसको वियर किस तरह करना का है, इस तरह का है। तो इसको हम, क्योंकि पतला है तो हम इसको डायरेक्ट तो वियर नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए, इसको वियर करने के लिए इस तरह आपने नीचे से कोई भी स्कार्फ बनाना है, जैसे नाइट टाइम नाइट पार्टी में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको इस तरह भी वियर कर सकते हैं, लाइक दिस, इस तरह, फिर बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह। लाइक अ डेकोरेशन, यानी खूबसूरत लगने के लिए, या शो के लिए, या बहुत अच्छा मॉडर्न यानी डिजाइनिंग के लिए ऐसा यूज किया जाता है। ये इस तरह वियर कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से हमारा हर सर बाल भी नजर नहीं आएंगे, और ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने लिया इस तरह, बहुत अच्छा लगता है किसी भी पार्टी में। अगर आप वाकई हिजाबी है, आपको हिजाब पसंद है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। इस तरह आप इसको सर पर ले सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो आप शोल्डर पर जस्ट इसको ले लें। इस तरह ये बहुत ही फैशनेबल लुक में आता है, आप नाइट टाइम पहनकर देखना कैसा ज़बरदस्त लगता है। इस तरह इसको लगाकर आगे से ब्रूच लगा लें, कोई पिन लगा लें, या कुछ भी, एक शरक की तरह बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। नीचे से जो हमने स्कार्फ बनाना है वो ज़रा एक लाइट सा बनाना है, जो हम शर्ट के अंदर कर लेते हैं वो बना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। या कोट वगैरह के साथ ऊपर से शोल्डर से ये लिया जाए, तो ये फैशनेबल लुक में, एक स्टाइलिश में आता है। नाइट टाइम इतना जगमगाते हैं इसमें, ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं वेयर करती हूँ तो ज़बरदस्त है। इस तरह बना लें आप, साइड कंधों में कर लें, इसी तरह भी बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके जो लटक रही हैं बेले सी लगी हुई हैं इसको, तो जनाब मेरा फेवरेट स्टाइल ये है, सर पर लेना एज अ फैशन, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। तो जनाब ख़रीदा करें तरह तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें, अपनी जेब खर्च के मुताबिक जितनी जेब इजाज़त है ज़रूर लिया करें। तो जनाब ये है मेरा सेकंड स्टाइल, स्टार्ट हो रहा है दूसरा स्टाइल मेरा, जो बहुत ही ग्रोजियस है और मिनटों में बनने वाला स्टाइल है, जो मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ तरह तरह के नए नए स्टाइल। आप भी ट्राई किया करें। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल किया करें। आपने एक सर्वे के मुताबिक जो इंसान अपने ऊपर खर्च करता है ना, अपने खुद को वेल मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़ें लें, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उतना खर्च किया करें। उसकी जो होती है ना पावर, उसमें होती है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गली होती है, और वो प्रॉब्लम्स का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। हर प्रॉब्लम को फेस करने की उसमें पावर होती है। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर पैदा करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो लिया करें, अपने ऊपर खर्च करें, अच्छे नज़र, वेल मेंटेन रखिए आपको, अपने आप को, और अच्छे नज़र आए। तो जनाब देखिए मेरा स्टाइल कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जो पसंद आता है वो मैं बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, और बाहर जाते हुए भी। तो जनाब ये थे मेरे हिजाब स्टाइल, जिनसे इंस्पायर हुई मैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करूं। रमजान में वैसे भी इतनी बिजीनेस है कि टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, और मेरे तमाम सिस्टर्स जरूर ट्राई किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, जो चीज को दिल करता है वो ले लिया करें, जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव हो, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है वैसे लिया करें, लेकिन ले लिया करें, शौक पूरा कर लिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी रमजान जाते जाते भी, और अपना बहुत सारा ख्याल के साथ साथ मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।